This news is sponsored by Event Handle. Make your event memorable. दिन भर के कामकाज के बाद घर लौटने वालों के लिए ये पुल तो जिंदगी को जोड़ने के लिए बना था ना, लेकिन नहीं। गुरुवार की शाम घर लौटते लोगों को ये पुल मौत की तरफ ले गया। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। विकास की नई बुलंदियों पर छाने वाली मुंबई की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी सीएसटी स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा। ये पुल सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना हुआ है। ये पुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पीटी लेन से जोड़ता है। लोकल ट्रेन से निकलने के बाद लोग इस पुल से बाहर निकलते हैं। गुरुवार की शाम भी यही हुआ। शाम 7:30 बजे के वक्त इस पुल से गुजरते लोगों ने क्या सोचा होगा कि उनकी जिंदगी मौत के मुंह में समा रही है। अब पुल की तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि लोगों का क्या हाल हुआ होगा। खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी। एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला कुछ हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। 7:30 के बहुत गाड़ियाँ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी जो थी वो एक टैक्सी के ऊपर सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा एक टैक्सी के ऊपर गिरा। एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब मेरे साथ बहुत कुछ लोग वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर। और कम से कम हमने 10 लोगों को मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला। हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ता उन सब पब्लिक ने 10 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उस दरमियान ही कम से कम 4-1 लोग तो यहीं पे गए हुए थे, उनकी जान यहीं पे गई थी। ऐसे कम से कम 5 लोग यहाँ पे थे। ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद समझे गए। ये इसका जवाबदार है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट। एल्फिस्टन रोड का जब ब्रिज गिरा था, वहाँ पहुँचे थे, हमने देखे थे, लाशों के ढेर लग गए थे। तब भी हमने सरकार को कहा था कि जितने भी इस तरह के मुंबई में ब्रिजेस है उसकी मरम्मत की जाए जल्दी से जल्दी, मगर सरकार के कान में जू तक नहीं रहे। 35,000 करोड़ रुपये का मुंबई BMC का बजट है, ये BMC के अंडर में आता है। ये हज़ारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। 10 मरतबा सरकार को पता है कि ये हादसा हो सकता है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। 6,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, मगर सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि लोगों की सेफ्टी की परवाह करे। हमारी सरकार से इस वक्त ये मांग है कि जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो म्युनिसिपल कमिश्नर हो या BMC कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे सख्त से सख्त और उनको सस्पेंड करे। क्योंकि बार बार सरकार को बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है। आज इनकी जाने चले गई अगर किसी की और सरकार आएगी मुआवजा दे देगी, मगर जान तो वापस नहीं आएगी। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं। अब सस्पेंड करके भी क्या होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर से जितने भी इस तरह के ब्रिज उसकी मरम्मत करे। ऑडिट करके रख दिया लेकिन काम क्यों नहीं किया? अब BMC ब्लेम करेगी रेलवे को, रेलवे ब्लेम करेगा BMC को, मगर इस दरमियान में जाने तो चले गए हमारे लोगों को, बेकसूर लोगों को। क्यों सरकार ऐसा करती है? इसलिए सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए विदाउट इंक्वायरी जो भी इसमें इन्वॉल्व है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल है। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं।
विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुट ओवर ब्रिज चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा। और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी, जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। ब्रिज गिरा उसमें सब लोग गिरे वॉकिंग थे ऊपर से, ब्रिज का जो नीचे का स्लैब होता है वो गिरा। आपका कौन था वहाँ पे या कोई भी नहीं था, हम लोग सोशल वर्कर। आप लोगों ने कितने लोगों को जो है वहाँ से? 14 हमने देखा ब्रिज गिर गया तो हम वैसे ही पटा हमारी बाइक लेके पहुँचे तो हमने एक टैक्सी रुकाया। सबसे पहला पेशेंट हम लोग ने डाले हॉस्पिटल में, हम 14 से 15 जन थे, सबको बचा के ले गया। उसमें से कुछ 2-3 की डेथ हो गई। इस हादसे के बाद तत्काल मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने आम लोगों की मदद से लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब